गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम संज्ञा से संबंधित पाठ्य पुस्तक का कार्य पूर्ण करेंगे। कल मैंने आपको संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और साथ में मैंने आपको इसके प्रश्न उत्तर भी करवाए थे। आज हम इससे संबंधित पाठ्य पुस्तक का कार्य पूर्ण करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं को छांटकर अलग अलग लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिनसे किसी विशेष जाति, व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध होता है वो क्या होगी, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जातिवाचक जिससे किसी प्राणी के जाति आदि का बोध होता है वो जातिवाचक संज्ञा हो गई। और भाववाचक यानी जिससे किसी जाति के प्राणियों या पदार्थों के भाव, गुण व स्वभाव का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो शब्द है हाथी, दिल्ली, मिठास, नगर, लड़का, रमेश, शिक्षक, नरेश, विद्यालय, मेज, बचपन, खुशी, अमरूद। ये सारे शब्दों को आपको अलग अलग छाट कर व्यक्तिवाचक संज्ञा वाले को व्यक्तिवाचक संज्ञा के सामने लिखना है, जातिवाचक संज्ञा वाले को जातिवाचक संज्ञा के सामने लिखना है और भाववाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा वाले के सामने लिखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिए, पहला है रमेश। रमेश क्यों है, क्योंकि इससे हमें एक व्यक्ति का बोध हो रहा है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिल्ली से भी हमें एक स्थान का बोध हो रहा है। नरेश, नरेश भी हमें एक व्यक्ति का बोध करा रहा है। अमरूद एक वस्तु का बोध करा रहा है। हाथी एक हाथी बोल सकते हैं हम कि एक व्यक्ति या फिर किसी वस्तु का बोध करा रहा है, ठीक है। मेज, मेज भी हमें एक वस्तु का बोध करा रहा है। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। नगर, नगर क्या है, ये एक जाति है कि नगर, गांव, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। लड़का ये भी एक जाति है। शिक्षक ये भी एक जाति है, वाचक संज्ञा है। विद्यालय ये भी एक जातिवाचक संज्ञा है। अब बच्चे देखते हैं भाववाचक संज्ञा। मिठास ये एक भाववाचक संज्ञा है। बचपन ये एक भाववाचक संज्ञा है। खुशी ये भी एक भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छाट कर उनके सामने कोष्ठक में लिखिए। तो बच्चों प्रश्न संख्या 4 था कि हमें संज्ञा शब्द को छाट कर उनके सामने कोष्ठक में लिखना है। तो देखिए पहला वाक्य कि शेर जंगल का राजा कहलाता है, इसमें बताइए कि संज्ञा क्या है। संज्ञा जिससे हमें किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो वो संज्ञा है। तो इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जिससे हमें किसी के प्राणी या स्थान का या वस्तु का बोध हो। देखिए शेर, शेर एक प्राणी है और जंगल एक स्थान है, तो शेर और जंगल दोनों ही संज्ञा हो गई, इसलिए हम इसे यहाँ सामने कोष्ठक में लिख देंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है। पूर्व एक स्थान हो गया और सूर्य एक संज्ञा हो गई, ठीक है। तो पूर्व और सूर्य दोनों ही संज्ञा हो गई। यह राजवीर का घर है। राजवीर एक प्राणी हो गया, घर एक स्थान हो गया, इसलिए राजवीर और घर दोनों ही संज्ञा है। अगला देखिए, इस गन्ने में अधिक मिठास है। मिठास बच्चों, मिठास एक भाव हो गया तो ये भी एक संज्ञा है, ठीक है। पांचवा देखिए, क्रोध में, क्रोध से अशांति बढ़ती है। क्रोध भी एक भाव हो गया तो ये भी एक संज्ञा हो गई। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5, निम्न में से जातिवाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं छाट कर लिखिए। राम, नदी, पशु, यात्री, महेश, उदयपुर, ठीक है। अब इसमें हमें जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा छाट कर लिखना है। राम, राम क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि इससे हमें एक व्यक्ति के होने का बोध हो रहा है। नदी, नदी एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। पक्षु, पक्षु भी एक जातिवाचक संज्ञा है। यात्री, यात्री भी एक जातिवाचक संज्ञा है। महेश एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उदयपुर ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
बच्चों अब पेज पलटिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे लिखे क्रिया शब्दों के पीछे आहार जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाओ। नीचे जितने भी शब्द हैं उनके पीछे आहार छोड़कर हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है। जैसे आप देखिए, आपको यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, घबराना। जब हमने घबराना के पीछे आहार छोड़ दिया तो वो क्या हो गया, घबराहट। इसी तरीके से बाकी शब्दों के पीछे भी हमें आहार जोड़कर उसे भाववाचक संज्ञा बनाना है। जैसे चिल्लाना, चिल्लाना के पीछे जब हम आहट जोड़ेंगे तो वो हो गया चिल्लाहट। दूसरा देखिए, बड़बड़ाना, बड़बड़ाना के पीछे जब हम आहट जोड़ेंगे तो वो हो गया बड़बड़ाहट। तीसरा देखिए, अकुलाना, अकुलाना के पीछे जब हम आहट जोड़ेंगे तो वो हो गया अकुलाहट। चौथा देखिए, गुर्राना, गुर्राना के पीछे जब हम आहट जोड़ेंगे तो वो हो गया गुर्राहट। पाँचवा देखिए, उक्ताना, उक्ताना के पीछे जब हम आहट जोड़ेंगे तो वो हो गया उक्ताहट। छठा देखिए, खुजलाना, खुजलाना के पीछे जब हम आहट जोड़ेंगे तो वो हो गया खुजलाहट। सातवां देखिए, भौकलाना, भौकलाना के पीछे जब हम आहट जोड़ेंगे तो वो हो गया भौकलाहट। आठवां देखिए, गिड़गिड़ाना, गिड़गिड़ाना के पीछे जब हम आहट जोड़ेंगे तो वो हो गया गिड़गिड़ाहट। सातवां देखिए कि निम्नलिखित संज्ञा शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं और आपको इन संज्ञा शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे विद्यालय, तो विद्यालय का हम वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करेंगे, राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है। अब पेड़, पेड़ का हम करेंगे, आम का पेड़ बहुत बड़ा है, आम का पेड़ बहुत बड़ा है। पुस्तक, पुस्तक का प्रयोग करते हैं, वह पुस्तक रमा की है, वह पुस्तक रमा की है। जब भी हम कोई संज्ञा शब्दों का वाक्य में प्रयोग करेंगे तो उसका कोई सही अर्थ निकलना चाहिए। जैसे कि राम विद्यालय जाता है, इसका भी बिल्कुल सही अर्थ निकल रहा है। आम का पेड़ बहुत बड़ा है, इसका भी सही अर्थ निकल रहा है। वह पुस्तक रमा की है, इसका भी सही अर्थ निकल रहा है। देखिए, राम बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, इसका भी देखिए बिल्कुल सही प्रयोग, इसका अर्थ बिल्कुल सही निकल रहा है। तो हमें इसी प्रकार बाकी भी संज्ञा शब्दों का प्रयोग करना है यदि हमारे परीक्षा में आ जाते हैं तो। अब देखिए प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है। हिमालय, हिमालय क्या भाववाचक संज्ञा है बच्चों, बताइए? नहीं, हिमालय भाववाचक संज्ञा नहीं है। हंस, हंस क्या भाववाचक संज्ञा है? नहीं, हंस भी भाववाचक संज्ञा नहीं है। जवानी, जवानी क्या भाववाचक संज्ञा है? हाँ बच्चों, जवानी एक भाववाचक संज्ञा है, तो हम इस पे सही का निशान लगाएंगे। देखिए, आपको प्रश्न दिया गया है, उसके 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको प्रश्न पढ़ना है और जो भी विकल्प सही है उस पर सही का निशान लगाना है। नवा देखिए, निम्नलिखित संज्ञाओं में से जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक, क्या पुस्तक एक जातिवाचक संज्ञा है? हाँ बच्चों, पुस्तक एक जातिवाचक संज्ञा है, जबकि बुढ़ापा, जून, बीकानेर, इन तीनों में से कोई भी संज्ञा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। दसवां देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोध कराती है। बताइए बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमें किस चीज़ का बोध कराती है? किसी विशेष भाव का नहीं, किसी विशेष जाति का नहीं, विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमें विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है। अब 11 प्रश्न देखिए, जातिवाचक संज्ञा बोध कराती है किसी पूरी जाति का, किसी पूरी बात का, किसी विशेष व्यक्ति का, किसी विशेष स्थान का। तो जातिवाचक संज्ञा हमें किसी पूरी जाति का बोध कराती है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने ये सारे प्रश्न पूर्ण कर लिए। आप भी अपनी पुस्तक में ये सब प्रश्न पूर्ण कीजिए। धन्यवाद।